हाय फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि मैं इसका अनलिमिटेड ट्रिक लाया हूँ। बट फ्रेंड, इसमें सिर्फ एक ट्रिक नहीं है बल्कि दो दो ट्रिक है। एक तो है रेफर बाईपास का और दूसरा है जस्ट वन क्लिक का, मतलब कि जस्ट आप एक क्लिक करके छोड़ दो और ऑटोमेटिक अर्निंग होता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं दोनों प्रूफ में लाइव के साथ दिखाऊंगा और पैसे को रिडीम करके भी बताऊंगा, जबकि हर एक व्यूअर को पता है कि ये एप्लीकेशन पैसे देती है। तो फ्रेंड, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पैसे को ही रिडीम करके दिखा देता हूँ, और फ्रेंड ये भी दिखाऊंगा कि इस एप्लीकेशन को जो मैं अनलिमिटेड किया हूँ, अभी जो रिडीम करने जा रहा हूँ, इसमें मैंने रेफर बाईपास करके नहीं किया है, जस्ट वन क्लिक करके किया है। फ्रेंड, यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको कि ये ऑटो क्लिकर ओपन है, इसका मतलब है कि ये ऑटो क्लिकर मैंने यूज किया था। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे जब मैं पास में दिख रहा होगा आपको 8590 क्वाइंस है, तो सबसे पहले तो मैं ये दिखा देना चाहता हूँ कि इससे मैंने कितना रेफर किया है। तो फ्रेंड, रेफर पे क्लिक करने के बाद योर रेफरल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक भी रेफरल शो नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि मैंने एक भी रेफर नहीं किया है। तो फ्रेंड, आखिर ये मैंने पैसे अर्न कैसे किए हैं, तो फ्रेंड मैं वो भी दिखा देता हूँ पहले। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख लो, ये 10-10 करके ये ऐड हो रखे हैं। रीजन ये है कि अगर मैं ऑटो क्लिकर यूज करता हूँ तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, जस्ट हैंडसेट को एक साथ एक जगह पे रख दो चार्ज में या फिर विदाउट चार्ज में, ये ऑटोमेटिक इसमें ऐड होते चले जाएंगे। तो फ्रेंड, ये सब मैं लाइव दिखाऊंगा, उससे पहले मैं बैक आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे रिडीम पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही मैं रिडीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, पेपल से और पेटीएम से। तो फ्रेंड, जो मिनिमम चाहिए होता है 5000 क्वाइंस चाहिए होता है, और जो मेरे पास अवेलेबल है 8590 क्वाइंस है, जो कि फ्रेंड नाइट में जब फ़ोन इस्तेमाल नहीं होता है तो यस्टरडे में छोड़ दिया था और ये ऑटोमेटिक अर्न हो गया। तो मैं लाइव रिडीम करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ओके कर देना है। तो फ्रेंड देख सकते हो, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैसेज देख सकते हो कि विड्रॉ सबमिट हो गया है, पॉज करके देख लेना और ये ऊपर देख लेना, इसमें 5000 माइनस हो गया हो। यहाँ देख लो फ्रेंड, जो 8590 क्वाइंस थे ये 3590 क्वाइंस बचे हैं। तो फ्रेंड, ये तो आपने देख लिया कि कैसे मैं अर्न किया था, अब आप कैसे अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये हैंडसेट है, ये कोई रूटेड हैंडसेट नहीं है, आप क्लीन एंड क्लियर देख सकते हो, किसी का भी हैंडसेट हो। जैसा कि मैं रेफर बाईपास सपोज करने जा रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, ये अपना ही लिंक को, जो आपका रेफरल लिंक है, जैसे यहाँ पे मिलेगा इनवाइट का, तो ये जो आप अपने आप को इनवाइट करोगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक को, अपने ही लिंक को आप अनलिमिटेड कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड, ये जो करेंट है एप्लीकेशन है, इसको प्रेस एंड होल्ड करके करना क्या, इसको अनइंस्टॉल कर दोगे। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हो अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, मैं अनइंस्टॉल कर दिया। अब फ्रेंड, इसमें ये खाली हो गया, अब इसको करना क्या है, आपको एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर दोगे, इससे क्या होगा, आईपी एड्रेस चेंज हो गया हमारा। फ्रेंड, आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करोगे और यहाँ पे टाइप करोगे कैश पांडा ऐप रेफर बाईपास एसटी हेल्प, देन यहाँ पे एंटर दबा दोगे। तो फ्रेंड, जैसे ही एंटर करोगे, सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है उस पर क्लिक कर दोगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, जैसे ही आप एंटर दबा रहे हो, यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अलाउ कर दोगे, देन अगेन अलाउ पे क्लिक कर दोगे। देन फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि सपोज कुछ मैं बताना भूल जाऊं तो आप इसमें देख के समझ सको। तो फ्रेंड, अगर आप एक नए यूजर हो, ओल्ड यूजर नहीं हो, तो आपको करना क्या है, मैं जितने भी नए यूजर हो, पुराने यूजर, हर किसी को बोलता हूँ कि आप अपना रेफरल लिंक इसके सबसे नीचे आके कमेंट में डाल दो, ताकि जितने भी मेरे नए यूजर होंगे, नए व्यूअर होंगे, वो आपके लिंक का यूज करके साइन अप कंप्लीट करे, ताकि आप लोगों को फायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड, मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड पे
क्लिक कर रहा हूँ और इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे नीचे आ जाओगे और जो कमेंट में जो लिंक दिखेगा जो हमारे व्यूअर का होगा, एक दूसरे का हेल्प करो, मतलब उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा गेट इट नाउ का, उस पर क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। बट फ्रेंड, वहां पे ओके नहीं दबाना है, इस पेज पे आके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ और ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हो कि इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। इंस्टॉल करने तक फ्रेंड मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। देख सकते हो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, सो मैं ओपन कर रहा हूँ। फ्रेंड, देख सकते हो कि मैं यहाँ पे साइन अप प्रोसेस पे आ गया हूँ। जैसा कि मैंने आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया, जब आप अपने लिंक से जब आप इसको ओपन करोगे तो आप अपने लिंक को कहाँ पे टाइप करोगे ये मैं बताना भूल गया। ये मैं बता देता हूँ कि आपको अपने लिंक को कहाँ टाइप करना है। मैं फिर से क्रोम ब्राउजर पे आता हूँ। फ्रेंड, जब आप एक ही डिवाइस से अनलिमिटेड करोगे तो ये थ्री लाइन्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आ रहा है सेकेंड ऑप्शन में न्यू इनकॉग्निटिव टैब। तो फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करोगे और जो आप अपना लिंक कॉपी कर रखोगे इसको प्रेस एंड होल्ड करके इस पे पेस्ट कर दोगे। तो सपोज अगर आप कॉपी कर रखे हो तो इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है वो पेस्ट करने का। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे भी बैक हो जा रहा हूँ और डायरेक्ट मैं एप्लीकेशन जो ओपन कर रखा था उस पे क्लिक कर रहा हूँ। इस चीज को आप समझ लेना। अब फ्रेंड, यहाँ पे जो साइन अप प्रोसेस कम्प्लीट करना है, जो पहले से आप यूज कर रखे होगे, सपोज जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ईमेल आईडी है, तो जो मैंने नहीं यूज किया है उसको यूज करना है। तो फ्रेंड, मैं इसको यूज कर लेता हूँ, एक को यूज कर रखा था। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हो कि साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अलाउ कर देना है। और जैसा कि यहाँ पे नंबर मांगा जा रहा है तो ये अनलिमिटेड मैं कर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी नंबर डाल के देख लो फ्रेंड, क्योंकि इसमें ओटीपी नहीं मांगता। तो सारा मैं यहाँ पे पुट करके नेक्स्ट कर देता हूँ, आप देखना इसमें कोई ओटीपी नहीं मांगेगा। तो फ्रेंड, देख सकते हो मैं सब कुछ इसमें पुट कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कर रहा हूँ और देखना कोई भी ओटीपी नहीं मांगा जाएगा। देख लो फ्रेंड, सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब आप फ्रेंड देख ले कि अपने आप को कैसे रेफर करना है। और जो दूसरा ट्रिक की जो मैंने बात किया था कि यहाँ पे देख लो वीडियोस का ऑप्शन है। अब फ्रेंड सपोज मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो इसमें जितना बार प्ले करेंगे हर बार 10 क्वाइंस मिलेंगे। तो फ्रेंड, अनलिमिटेड क्वाइंस के लिए कुछ भी ना फोन को टच करना पड़े, इसके लिए क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम करना है, इस जो आपका फोन है उसको स्प्लिट मोड में चेंज कर देना है। तो फ्रेंड देख लो कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, स्प्लिट मोड में जो अनलिमिटेड ट्रिक मैं बताऊं, उससे पहले यहाँ पे दो तीन एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने हैं वो मैं बता देता हूँ। ये देख लो फ्रेंड, कैश पांडा ऐप अनलिमिटेड ट्रिक, यहाँ पे दो तीन एप्लीकेशन दिया गया है। इन दोनों एप्लीकेशनों को डाउनलोड कर लेना। और फ्रेंड, यहाँ दिया गया है ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, फ्रेंड इसको जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि कुछ भी इशू हो तो मैं इस पे बता दूं, कुछ भी नया इन्फॉर्मेशन हो तो आप लोग को शेयर कर दूं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं स्प्लिट मोड में चलता हूँ, जस्ट इसको प्रेस एंड होल्ड कर रहा हूँ। देख लो फ्रेंड, ये एप्लीकेशन, ये जो हैंडसेट है दो भाग में बट गया। अब मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन भी ओपन हो गया जैसा कि मैं पहले से सेट कर रखा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख लो तीन की लिया है मैंने, 1 2 3। तो फर्स्ट की में देख लो फ्रेंड मैंने कितना सेकेंड सेट किया है, 51 सेकेंड सेट कर रखा है। ये ज्यादा सेट किया हो इसलिए क्योंकि कभी कभी सपोज ज्यादा टाइम ले लेता है और मैं तो फोन को टच नहीं कर रहा हूँ, जिसके वजह से इसमें टाइम ज्यादा सेट किया हुआ है। नॉर्मली 35 सेकेंड लगता है, बट इसमें जो मैंने सेट किया है यहाँ पे की 1 में 51 है, की 2 में 5 सेकेंड है और की 3 में 2 सेकेंड है। और जैसे ही मैं यहाँ पे प्ले बटन दबाऊंगा, देख लो फ्रेंड, तो यहाँ पे देख लो ये ऑटोमेटिक एड स्टार्ट हो गया है। और इसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा, देख लेना, साउंड कम कर देता हूँ। ये देख लो, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। मैं एक प्ले करके दिखा देता हूँ। देख लो फ्रेंड, वहां क्रॉस का ऑप्शन आ गया है, बट ये क्रॉस अभी हुआ नहीं है। रीजन है कि इसमें मैंने टाइम ज्यादा सेट कर दिया है, नॉर्मली उसको 35। देख लो फ्रेंड, ऑटोमेटिक कट गया, फिर से ओके हो जाएगा, देखते रहो, ओके भी हो गया फिर। तो
फ्रेंड मैं यहाँ पे इसको पॉज कर दे रहा हूँ क्योंकि बार बार वीडियो दिखा। तो फ्रेंड ये जो प्रोसीजर है ये ऑटोमेटिक चलता रहेगा और ये अनलिमिटेड चलता रहेगा। और ये जो स्प्लिट स्क्रीन जो मैंने किया है उसका रीजन ये है कि ताकि आपका फोन किसी भी तरह से रहे, वो जो क्रॉस का ऑप्शन होता है हमेशा उसी जगह पे आए, इस वजह से मैंने इसको स्प्लिट मोड में चेंज किया है। तो फ्रेंड इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।